रायगढ़ पहुंचे नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शराब बंद पर किए गए अपने वादे से मुकर गई है। गली गली में शराब बिक रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म होती नजर आ रही है। प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पढ़े लिखे मंत्री वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं और हर मामले को लेकर राज्य सरकार अपनी नाकामियों का ठिकरा केंद्र पर फोड़ रही है। सुनिए। परिस्थितियां उत्पन्न हुई है कि जब कोई सुनवाई नहीं होती तो गांव वाले स्वयं जाकर के उसका घेराव करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो जो विरोध करने वाले हैं अवैध दारोगा उनके ऊपर में प्रकरण लगाई जाती है। प्रकरण बना करके उनको जेल में भेजने की व्यवस्था की जाती है और लगातार संरक्षण मिल रहे हैं अवैध दारू बेचने वाले को और जो शिकायत करने वाले हैं उनको जेल की रास्ता राह दिखाई जाती है। परिस्थितियां उत्पन्न हुई।